जल्दी कर। Are you ready? Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. तीसरी कोशिश है, इस बार तो कामयाब हो ही जाऊंगा। मुझे छोड़ के चांद पे रहने के लिए जा रहा है। चांद पे बहुत शांति है, जिंदगी भर अब वहीं रहूंगा। चांद पे शांति है तो यहाँ क्या आग लगी हुई है? मेरा चेहरा क्या इतना खराब है जैसे देखने से नींद हराम हो रही है? तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम लोगों के लिए पैसे तो रहेंगे ना? तुम लोगों के लिए कुछ छोड़कर भी जाएंगे या नहीं? कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अरे कब तक अपने बड़े भाई की पैंट से लटके रहोगे तुम दोनों? इतने बड़े घोड़े हो गए हो लेकिन शर्म भी नहीं आई अभी तक। भैया आपको जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, आपका तो हक बनता है। लेकिन ये पैसे का मामला है भैया, और आप हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। आपने हमें बिना बताए फैक्ट्री क्यों बेच दी? फैक्ट्री मेरी थी, बेच दी मैंने। 2,500 करोड़ में बिकी ना फैक्ट्री? हाँ बिकी, लेकिन तुम बूट पॉलिश करना सीख लो। अब अगले महीने से मुझे दादर स्टेशन पे नजर आना। मैं आपको बोलती थी ना कि अपने निकम्मे भाइयों को सर पर चढ़ाकर मत रखो, इन्हें आपके सिर्फ पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं। कितनी होशियार है मेरी भी। थैंक यू। वैसे अगर मैं नहीं होती तो आज थोड़ी ना आप यहाँ होते। हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि तुमने तो मुझे खड्डे में पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब काम वाली से बर्तन साफ करना सीख लो, झाड़ू पोछा भी सीख लोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें भी मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूं। क्या? पर आप 3,500 करोड़ का करेंगे क्या? एनजीओ को दे दूंगा, वो गरीबों में बांट देंगे।
भाइयों को भी आधा आधा मिलता है। हाँ अच्छा, तो ढूंढते रहो वकीलों को और लगाओ कोर्ट के चक्कर, 10-15 साल में नंबर आ जाएगा शायद तुम लोगों का। लेकिन भैया आप सब कुछ देके करेंगे क्या? मैं चांद पे चला जाऊंगा। चांद पे? हाँ चांद पे, क्योंकि चांद पे शांति है, पूरी जिंदगी वहीं रहूंगा मैं। 50-50 करोड़ रुपए देके 12 लोग चांद पे जा रहे हैं, वहां रशिया का एक स्टेशन है, सब लोग वहीं रहेंगे इस खराब दुनिया से दूर। तक फोन क्यों नहीं है, टाइम हो गया। यहाँ पे इतना मजा आ रहा है तो चांद पे कितना मजा आएगा। तो वहां चांद पे रहेगा और हम यहाँ सड़कों पर भीख मांगेंगे? कभी नहीं, नेवर। अरे हमको तो लगा था कम से कम 100-150 करोड़ आपको मिलेगा और हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी की पड़ी है, दिखनी ना टेंशन के मारे हमारा क्या हाल हो रहा है। अरे हमें भी तो टेंशन हो रहा है ना कि हमारा आखिर होगा क्या। हमें गरीबों के जैसे जिंदगी नहीं गुजारनी। तो मतलब तुम दोनों हमें छोड़ के चले जाओगी? मुझे गरीबी के नाम से भी नफरत है। और अगर भैया ने 50-100 करोड़ दे दिया फिर? सच? तुम ना डरा ही देते हो मुझे। मैंने कब कहा तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। जरा यहाँ आना तुम दोनों। मनीष ठीक ही कहा करते थे, इन लोगों की वजह से तुम दोनों बर्बाद हुए। अभी के अभी इन लोगों को यहाँ से चलता करो, राइट नाउ। फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मनीष चांद पे जाने वाले रॉकेट तक पहुंचेगा ही नहीं। मनीष अब मैं आपको उल्टा करूंगा, अपने पीठ पे तैरना। अरे जो करना है करो, मैं तैयार हूं। 10, 9, 8, 10, 6 सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट बाहर आने दो मुझे, एक मिनट। उड़ने की कोशिश कर रहा है ना, वो आसमान में पहुंचना ही चाहिए। वो आज के बाद उड़ने की बात तो दूर, वो चल भी नहीं सकेगा, समझे? नहीं, कभी नहीं। यस यस,
अगर हम नहीं तो वो भी नहीं। राहुल तुम अंदर नहीं गए देखने के लिए? मैम नहीं तो अब क्लाइंट हवा में लटका हुआ है और अरे तुमने अगर मुझे कहा होता तो मैं अंदर जाता ना। ठीक है ठीक है। हाथ नीचे। ब्लड प्रेशर जीरो, दिल की धड़कन बंद, दिल काम ही नहीं कर रहा है। तू अंदर गया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वहां अंदर मनीष की बॉडी में से खून निकल रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ देख, ये देख, ये देख, देख। ओ माय गॉड यार, इसकी दिल की धड़कन बंद है, ब्लड प्रेशर जीरो है, बाकी सारे रीडिंग भी जीरो है यार। मैं पता नहीं यार ये मर गया क्या? तुमने बोला? जी सर। क्या होता क्या है यहाँ पे? सर अब यहाँ पे लोगों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं सर। ओ, उड़ने की ट्रेनिंग है? किसे उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं आप? इन एस्ट्रोनॉट्स को? सर वो हमारी कंपनी 12 लोगों को चांद पे भेजने वाली है सर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मून स्पेस, ये वही कंपनी है ना जो लोगों से 50-50 करोड़ रुपए लेके रॉकेट में बिठाने वाली है? जी सर। 50 करोड़? कितने लोगों ने पैसे दिए हैं अभी तक? जी वो अभी तक 12 लोगों ने दिए। उन सबकी ट्रेनिंग पूरी हो गई? जी सर, बस एक आखिरी आदमी बचा था मगर वो वही मर गया। जी सर। कहाँ, लाश कहाँ है? दरवाजा सिर्फ तुम्हारे हाथ के निशान से खुलता है? जी सर, मेरे और राहुल के फिंगरप्रिंट से खुलता है सर। राहुल? सर राहुल। तो आप राहुल हैं? जी सर। और आप? अरुण। और आप दोनों के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता है? नहीं सर। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं सर। ठीक है चलो, ये दरवाजा खुला रखना। जी सर। ओ यहाँ पे है लाश। जो कुछ भी हुआ तुम लोगों ने यहाँ से देखा? जी सर, वो अंदर थे और मैं यहाँ पे। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे भी लगा है? तुम्हारा हाथ लगेगा तभी ये दरवाजा खुलेगा है? हाँ सर, वो हम दोनों के हाथ से ही खुलता है। चलो। एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग प्लीज ये पहन लीजिए। हेलो। ठीक है। मौत कब हुई, ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के बाद में? सर ट्रेनिंग के बीच में। ट्रेनिंग के बीच में? काफी खून गिरा है। खून 3 अलग अलग जगह पे है, क्या चक्कर है? चलो देखें गांव कहां पे है। तो आपकी आवाज सुन रहे थे? जी जी सर।
गोली कहा? गोली? हाँ गोली। गोली इस बैच के आर पार हो गई है। गोली सीधा हार्ट में घुस गई है। कोई चांस नहीं। किसने मारी से गोली? हाँ? और कौन था यहाँ? पता नहीं सर, हम दोनों तो बाहर थे। तुम लोग बाहर थे और अंदर किसी ने इसे गोली मार दी? शायद ऐसे ही हुआ होगा सर। और कौन था अंदर? कोई भी नहीं सर। मतलब इसने खुद अपने आप को गोली मार ली? नहीं सर, सिर्फ इसके पास तो कुछ भी नहीं था। हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं। और ये दरवाजा, इसका क्या? ये बंद था या खुला? सर ये भी बंद था सर। जब तक हम इस दरवाजे को लॉक नहीं करते तक यहाँ पे आदमी उड़ नहीं पाता है। एक मिनट, ये आदमी उड़ रहा था? हाँ सर, ये आदमी उड़ रहा था, दरवाजा बंद था, तुम लोग बाहर खड़े थे, फिर भी किसी ने गोली मारी? पता नहीं सर, गोली कब चली पता ही नहीं चला सर। अरे पता कैसे नहीं चला? हैं? ये कितनी बार है? ये तो चारों तरफ से बंद है ना? हाँ सर, एकदम बंद है सर। तो फिर गोली आई कहाँ से? हाँ? ये सब क्या है? सर, इनकी वजह से आदमी हवा में उड़ता है सर। यहाँ पे तो कोई गन नहीं है और कोई छुपने की जगह भी नहीं। देखो भाई, अब ये मुझे कुछ नहीं मालूम का मामला खत्म करते हैं। बात जरा साफ साफ करते हैं, हैं? जी सर। अब बताओ क्या क्या हुआ था यहाँ पे? सर, हम लोग यहाँ खड़े थे, यहाँ जा लाश पड़ी है सर, और हम इन्हें सूट पहना रहे थे। फिर ये अंदर खड़े हुए थे सर और हम बाहर थे। मैंने बाहर से मशीन ऑन की, जोर की आवाज आई मशीन चलने की, और ये हवा में उड़ने लगे। बहुत खुश थे। मनीष घबराओ मत, अब आप हवा में हैं, दिल पे कंट्रोल रखो। तभी मेरा फोन आया। क्या कहा तुमने? फोन आया था तुमको? जी सर। ओके, तो फोन आया था तो कहाँ थे तुम? कहाँ खड़े थे? सर मैं यहाँ ही खड़ा था। यहाँ ऐसे खड़े थे? ऐसे? जी सर। उधर आदमी लटका था, ऐसे खड़े हुए थे, फोन आया था। अरे फोन आया था तो क्या कर रहे थे तुम? सर मैं ऐसे खड़ा था। हाँ वही पूछ रहा हूँ। फिर हाथ कहाँ थे तुम्हारे? हाथ तो, अरे यार हाथ कहाँ थे जब वो उड़ रहा था? हाथ कहाँ थे तुम्हारे? सर जॉयस्टिक पे सर। हाँ रखो रखो। क्या कर रहे थे यहाँ से? सर मैं उन्हें उड़ा रहा था सर। ओके, उड़ा रहे थे तब फोन आया है? फोन कहाँ पे था? सर पॉकेट में सर। कौन सी पॉकेट में? ये। ओके राइट, ओह राइट हैंड। अच्छा राइट हैंड, तो राइट हैंड यूज करते हैं आप। फिर? सर फिर मैंने हेलो बोला सर। हेलो? जी सर। और कुछ नहीं बोला? नहीं सर, मैंने और कुछ नहीं बोला सर। कमाल है, फोन आया और सिर्फ हेलो हेलो। अरे कुछ तो बात की होगी ना सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, फोन आया हेलो किया तो कुछ तो बात करी होगी ना आगे। सर वो यहाँ सिग्नल नहीं आता है सर, इसलिए मैं बाहर गया बात करने। सिग्नल यहाँ नहीं आता है? बाहर गए तुम? कहाँ बाहर? बाहर कहाँ गए? देखा सर वो यहाँ पे आए? नहीं सर, मैं यहाँ पे आया था सर, यहाँ तक आके यहाँ पे मैंने पहली बार हेलो बोला सर। तो यहाँ बात हुई? नहीं सर, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आता है सर। फिर? सर फिर मैं यहाँ पे आया और दूसरी बार हेलो यहाँ पे बोला सर। फिर? अरे यार हेलो हेलो बोला लेकिन बात हुई कि नहीं? सर मैं बाहर गया था फिर बात करने के लिए सर। कहाँ बाहर? कहाँ गए थे? दिखाओ कहाँ तक गए थे? कहाँ पे? यहाँ। जब ये बाहर गया तब तुम कहाँ थे?
जी मैं यहीं पे था। तुम यहाँ बैठे थे? जी सर। बैठो। जी मैं बैठो। जी तो तुम यहाँ बैठे थे जब अरुण इस कमरे से बाहर निकला? जी सर। और ये दरवाजा? ये दरवाजा खुला था जब अरुण फोन करने के लिए यहाँ से बाहर गया? नहीं सर, ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है सर, ऑटोमेटिक है सर। अच्छा, और तुम यहाँ चिपके रहे, अकेले नहीं? जी नहीं सर, मैं यहीं पे था। इसका मतलब है कोई बाहर वाला अंदर नहीं गया? जी नहीं सर, मैं यहीं पे था। चुपके बैठा था वहां? नहीं सर, नहीं। जब मैं किसी की हड्डियां तोड़ता हूं ना तो बाद में गिनता नहीं। जी सर। और हड्डियां तोड़ने से पहले मैं शरारत से पकड़ के घुमाता हूं। सब सब पूरी पूरी दुनिया घूम गई सर। घुमाने के बाद इस गर्दन की हड्डी तोड़ता हूं ऐसे। सर, ऐसे। सर, 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 इतनी दूर गए थे ये बात करने के लिए सर। उसके बाद? सर उसके बाद मैं वापस अंदर गया सर। ये कुछ बोला? बोलेगा। हाँ। फिर मैं वापस आके यहाँ पे खड़ा हुआ सर। तभी तुमने लाश देखी? हाँ सर। सर उसके हाथ नीचे थे, उसकी लाश हवा में थी, खून का गोला आया, फिर मैंने देखा उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, बीपी जीरो हो गया था, सारे रीडिंग जीरो हो गए थे, खून, खून। ये बताओ कि मनीष की लाश किस हाइट पे थी जब उसे गोली लगी? तो हम पता कर लेंगे ना कि गोली कहां से चली है। तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो बाहर फोन पे था ना सर। नहीं नहीं, जब तुम वापस आए लाश एग्जैक्टली कितने ऊपर थी जमीन से? सर वो शायद कितने हाइट पे थी सर? शायद एग्जैक्टली पता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कितनी ऊंचाई पे थी जब उसे गोली लगी? खून की बूंदों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये बूंदें कितनी दूर से गिरी हैं, मारने वाले ने किस हथियार से मारा है, मरने वाला इंसान खड़ा था, बैठा था या लटका हुआ था। ये सब बातें सीआईडी ऑफिसर्स ढूंढ निकालते हैं। खून की एक एक बूंद सीआईडी को बहुत कुछ बता सकती है, सिर्फ इनका नाप लेने की देरी है। अभिजीत, खून की बूंद है। खून की बूंद है। सेंटर पक्का। सबसे दूर ये। चार फीट दो इंच। चार फीट दो इंच। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे दूर यही है, दो फीट पांच इंच। दो फीट पांच इंच। इस पे आ जाओ, इस पे मैं चला। वन पॉइंट नाइन 2.5 और 4.3 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर 2.33 कितना? 5 फीट 7 इंच। 5 फीट 7 इंच। हाँ, जहां पे इस आदमी को गोली लगी वो जगह हवा में 5 फीट 7 इंच ऊपर है। अगर गोली सीधी चली है तो गोली चलने की जगह जमीन से 5 फुट 7 इंच ऊपर होना चाहिए। पूर्वी,
5'7" यहाँ पर, सीधे पकड़ो, सीधे ले, ठीक है? सर, लेजर 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 गन लेके आओ। सर, सर लेजर गन। देखते हैं। चाहे गन मिले या ना मिले, लेकिन बंद कमरे में गोली बाहर से नहीं चल सकती है। गोली गोली यहीं से चली है। मुझे भी यही लगता है अभिजीत, गोली यहीं से चली है। मगर सर, गोली यहां चली है तो फिर गन क्यों नहीं दिखाई दे रही है सर? देगी निखिल, गन भी दिखाई देगी। अगर गोली चली है तो गोली के साथ गन पाउडर भी निकला होगा, और इतनी दूर से गन पाउडर लाश के ऊपर तो नहीं आया होगा, मगर जमीन पे जरूर गिरा होगा गन पाउडर। करेक्ट, और जहां पे गन पाउडर गिरा है, गोली ठीक उसी के ऊपर से चलाई गई है। पर सर, गन दिखाई क्यों नहीं दे रही? सर, मुझे लगता है सर यहाँ पे कोई जादू हुआ है सर। सर, दीवार फटी, गन बाहर आई, सर गोली चली, गन वापस अंदर गई और दीवार जुड़ गई सर। क्या तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, समझे? गन पाउडर देखने वाला स्प्रे लेकर आओ, जाओ। भाभी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं अश्विन, बाद में। अभी क्यों नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? Oh God! सब जगह हो गया? हाँ सर, कोई जगह नहीं छोड़ी। दीवारों के पास भी मारा? हाँ सर, एक एक कोना इस स्प्रे से भिगो दिया सर। वेरी गुड, दया चलो फिर गन पाउडर देखा जाए। निशान कटा बटा है, काफी पुराना है, शायद जब ये सरफेस लगा रहे होंगे उस समय का ही है। जीत, लगता है यहां कोई सो रहा था।
हो सकता है इस फ्लोर के ऊपर कवर चढ़ाते वक्त तो मजदूर सो रहा होगा। हाथों के निशान तो दिख रहे हैं। स्प्रे ने तो जादू कर दिया यार। सिर्फ गन पाउडर के निशान नहीं है, बाकी सब कुछ है यार। इस तरफ भी नहीं है। मतलब सर यहां गोली चली नहीं? गोली चली है निखिल, तभी तो मौत हुई है। मगर सर यहाँ गन पाउडर तो मिला ही नहीं। गन पाउडर मिले या ना मिले, लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मनीष की मौत गोली लगने से ही हुई है। इसका मतलब है अभिजीत, गोली बिना गन पाउडर के ही चली है। क्यों भाई, ये दया अभिजीत वहां बैठे बैठे हमारी फोटो उतार रहा है, है? जब देखियो कि सालूके को तो हंस हंस के पेट फूल रहे है, तो यो पासो फेंक दियो। लाश में से गोली किसने निकाली? मैं निकाली। तो फिर तू उनका नाम क्यों ले रहा है? अरे पर राणा जी, लाश तो वो दोनों भेजी ना। तो गोली देख के थारी हवा क्यों निकल गई? मारी हवा यूं निकल गई कि ऐसी गोली मैं जिंदगी में कभी देखी नहीं। आओ बतारो मारे साथ आओ। लो ये देखो राणा जी, ये गोली, ना तो ये गोली पॉइंट 22 की है, ना पॉइंट 32 की है, ना पॉइंट 45 की है। सलूंखे मनने लागे आ गोली पॉइंट 29 की है। कैसी बाता कर रहे हो महाराज, है पॉइंट 29 की कोई गोली हो? थारी आत्मा जो है ना वो पॉइंट 29 की गोली है। हसमत सलूंखे, मुझे मालूम है जब जब तू कंफ्यूज होता है ना तब तब तू ऐसो ही हसियो है। हंसी में अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करता है। ये आप क्या कह रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम है सालुंखे, इस गोली पर जरा भी गन पाउडर नहीं मिली है। आपने कैसे जाना? क्योंकि दया और अभिजीत दोनों को भी वहां पर जरा भी गन पाउडर नहीं मिली। हाँ बस, क्या तो आप एकदम ठीक रहे हो। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर है कौन सी गोली और किस बंदूक से चलाई गई है जिसमें गन पाउडर का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या बिना गन पाउडर की गोली चली? अरे तो मैं और क्या कह रहा हूँ फ्रेडी, था तक की आवाज नहीं आई। अरे नहीं आई, ना तो कोई आवाज आई, ना कोई फटाका छूटा, बस गोली चली धाए और आदमी मर गया। देखिए सालुंखे साहब, ये बात हमें भी मालूम है कि गोली गन पाउडर के बिना चली है। जी सर, जी जी, इसका एक ही मतलब है, ये कोई ऐसी चीज या ऐसी गन है जिससे गोली गन पाउडर के बिना चलती है। हाँ नहीं 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 नहीं, ये बात आपने नहीं हमने ढूंढी है। करें करें क्या की? क्या क्या बात कर रहे हैं सर? अरे सर क्या कह रहे हैं? अब उनके साथ बोल रहे हैं गोली है, कील है, कील है, कील। यहां से हेलो आरोप सर, सर सर सर, अगर अगर हम लोग फॉरेंसिक डॉक्टर होते ना सर, तो हम लोग भी बॉडी में से बुलेट निकाल लेते हैं, है ना सर? सर सर मेरी बात सुनिए मेरी, अरे मुझे 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 बोलने तो दीजिए आप। हाँ देखिए सर, आप हमारी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ हाँ सारे सारे टेस्ट किए हमने, सब टेस्ट हो चुके हैं। अब ये बात और है क्या डॉक्टर साहब? देखिए आप हमें चैलेंज मत कीजिए, या तुम बात करो। बात करता ही आदमी। हाँ सर बोलिए। अरे सर आप मुझसे बात करिए, मुझसे। हाँ क्या सर? हम लोग गन ढूंढ के ही निकालेंगे। चैलेंज दे रहे हैं सर? आप चैलेंज मत दो सर, आप चैलेंज मत दो। ठीक है, जब तक गन नहीं ढूंढेंगे ना सर, आपकी फॉरेंसिक लैब में कदम नहीं रखेंगे। अरे सर सर वादा है, आपकी फॉरेंसिक लैब में घुसेंगे नहीं। हाँ गुड बाय। यार ये तो मामला अब इज्जत पे आ गया है। हाँ अभिजीत, इस सालों के सामने नाक नहीं कटवानी। हाँ निखिल, तुम हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
सर सर मैं सर हाँ तुम यहाँ हवा में उड़ोगे. Are you ready, sir? Ready मतलब और क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप खड़े रहिए, बाकी सब हम यहाँ से कर लेंगे. देखना संभाल के, मेरी आंखों से पानी भी आता है. कोई बात नहीं सर, वो पानी के बूंदे भी वहाँ पे तैरेंगी हवा में. वो भी तैरेंगी. अब आप उड़ेंगे हवा में. ठीक है, लेकिन अपना ही समझ क्या, संभाल के. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसको सीधा करना पड़ेगा ना? जी सर. तो करो फिर. निखिल सर, मैं आपको सीधा करने वाला हूँ अब. और तो तुम्हारे भाई सुन तो लो, देखो देखो सुन तो. अरे अरे देख के, अरे अरे बाप रे, अरे देख के, अरे 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 आ गया, अरे सीधा, अरे आ क्या हो गया, अरे. ये मनीष ऐसे ही घूम रहा था ना जब गोली लगी उसको? नहीं सर, वो थोड़ा सीधा बैठे थे. सीधा? तो इसको भी वैसा ही करो, सीधा करो. अभी सही लग रहा है सर. सर मैं हवा में उड़ रहा हूँ सर, अभी मजा आ रहा है. आ, आ, अभी सही लग रहा है सर. अरे आ, अरे कोई कुर्सी दे दो भाई. ऐसा ही था? हाँ सर. अब देखते हैं क्या होता है. अरे कोई कुर्सी दे दो. ओए होए, मजा आ गया. आ गोली लगी इसको. नीचे उतारो जल्दी. अरे मर गया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.